नमस्कार साथियों, पुनः आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है विजार्ड एकेडमी। दोस्तों, आप जानते हैं कि आप टाइप 4 तक पढ़ चुके हैं। आज हम टाइम एंड वर्क में एक नई वैरायटी सीखेंगे और मैं फिर आपसे कहता हूँ, अगर आपको इसमें कुछ भी कमी दिखे या आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स पूरा पड़ा है, भर दीजिए उसको। चलिए बिना समय बर्बादी के देखते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, मैंने एक आपके सामने प्रश्न लिया है जो टाइप 5 का है। इसमें हम आगे पैटर्न भी चालू करेंगे और भी दिखाएंगे हम आपको, इसमें बहुत वैरायटी होती है। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं इसका। ए किसी कार्य को 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है, जबकि बी किसी का इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, तथा सी कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में करता है। तो बताओ, अगर ये तीनों मिल करके कार्य स्टार्ट करें तो 47% कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, प्रश्न है। अभी तो प्रश्न से पहले हम ये सीखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है श्याम नाम का एक व्यक्ति है जो आधा काम को 10 घंटे में कर लेता है, तो हम कहेंगे पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल है, पूरा काम जो होगा वो आपका 10 का डबल हो जाएगा, 20 होगा, क्योंकि आधा अगर करेगा तो 10 और पूरा करेगा तो 20। लेकिन मैं आपसे कह दूं, बताओ अगर 3/2 काम जो है वो आपका, या 2/3 काम जो है वो आपका 10 दिन में कर लेता है या 10 घंटे में कर लेता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा या घंटे में करेगा। मैं कहूं कि शाम 2/3 भाग 10 घंटे में कर देता है, तो पूरा काम कितने में करेगा। तो अब आपको दिक्कत होगी कि कैसे करे, तो दिक्कत की बात नहीं। आपने यहां पर किया क्या है, आपने बेसिकली यहां पर 2 को ऊपर और 1 को नीचे भेज दिया है, तो 2 × 10/1, तो 2 × 10 = 20 और 1 का कोई वैल्यू नहीं 1 का डिवाइड करने से। अब यहां पर आप क्या करेंगे, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे और 2 से डिवाइड करा देंगे, तो जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाएगा और ये जो नीचे होता है वो ऊपर हो जाएगा, यूनिट्री मैट है, तो यानी 15 दिन में कर देगा। तो पूरा काम निकालना 15 दिन में हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अब हम सवाल पे वापस पढ़ते हैं और सवाल को देखते हैं कैसा होगा। यूनिट्री मेथड का हिस्सा है, ठीक है ना। आप बिल्कुल बेसिक है, बहुत कठिन नहीं, आराम से सीख लिया होगा आपने। तो क्वेश्चन यहीं से फिर हम बढ़ते हैं। एक इसी कार का 1/3 भाग, अभी देखिएगा हमारे पास भाग है 1/3 भाग है, 1/3 भाग 5 दिनों में। तो आप बताइए पूरा काम ये कितने दिनों में करेगा। ए पूरा काम करेगा 3 ऊपर 1 नीचे, तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां बी का देख लीजिए, बी कितना, बी जो है आपका 2/5 भाग है, 2/5 भाग है कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो 2 से 2 नीचे जाएगा, 5 ऊपर, 2 से 5 10 को काटेंगे 5, और 5 जो ऊपर गया गुणा होगा तो 25 दिन आ जाएगा। तो बी का कितना आ गया, 25 दिन आ गया, ठीक है। बी का कितना आ गया, यहां पर 25 आ गया। अब आप यही सी का देख लीजिए, सी का कितना भाग है, सी का भाग है आपका यहां पर 3/4, 3/4 भाग 15 दिन में। तो पूरा काम 3 से इसको काटेंगे 5, 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 दिनों में, ठीक है। तो सी का आ गया 20। अब ये पुराना सवाल हो गया, ए 15 दिन में, बी 25 दिन में, सी 20 दिन में। तो सबसे पहले दिए गए दिनों का एलसीएम लेते हैं ताकि हमारा वर्क निकल आए, और 15, 25 और 20 का एलसीएम होता है आपका 300। कितना होता है, 300। यहां पर 300 ले लीजिए ताकि कट जाए। अब आप यहां देखेंगे तो 15 से करेंगे तो 20, 25 से करेंगे तो 75, आपका कितना आ जाएगा, 25 × 4 = 12 आएगा, ठीक है ना। और 20 से करेंगे आपका, 20 से आ जाएगा आपका 15, ठीक है। तो ये आपका आ गया, क्या बोलते हैं इनकी पावर। अब तीनों मिल करके हमें कार्य पूरा नहीं कराना है, हमें कार्य का केवल 300 कार्य का हमें 47% ही कार्य कराना है। तो 3 का 47% जो होगा वो होगा 3 × 47, याद रहे, इंटू मत कराइए, क्यों, क्योंकि जब हम डिवाइड कराएंगे फिर आपको वो बड़ा बन जाएगा एक, फिर आप काटते फिरेंगे, इसलिए हमेशा मल्टीपल को इग्नोर करें। तो ये हमारा कार्य आ गया, यानी वर्क आ गया। अब हमारे पास पावर कितनी, अगर ये तीनों करेंगे, जिसको हम क्षमता कहते हैं पावर, तो क्षमता हमारी पास आ जाएगी 20 + 12 + 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 + 30 = 40 और 5 + 7 = 47, तो कितना आ गया, 47। अब हम करेंगे हमारे पास दिन कितने चाहिए, तो मैंने आपको मेथड बताया था, दिन बराबर जो होता है आपका होता है वर्क अपॉन आपका पावर। तो वर्क है हमारे पास 3 × 47 और हम डिवाइड कराएंगे 47 से, तो 47 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इतने % काम करने के लिए 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और समझते हैं। ए किसी कार्य का 3/4 भाग 18 दिनों में पूर्ण करता है, जबकि बी किसी कार्य का 2/3 12 भाग 12 दिनों में पूर्ण करता है, 2/3 भाग है, सॉरी, 3 सी कार्य का 60% है यहां पे, तो 60% 24 दिनों में पूर्ण करता है। तो कह रहा है एबीसी क्रमशः कार्य पे 4 दिन 6 दिन और 8 दिन काम करे, तो बताओ कितना % कार्य बचा रहेगा या बचेगा। तो बहुत बढ़िया प्यारा सवाल है ये, ठीक है ना। तो देखिएगा फटाक से, एक कार्य का 3/4 भाग 18 दिनों में करता है, तो अब आप बताइए पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, तो 4 ऊपर 3 नीचे, ठीक है ना। अब 3 से इसको काटेंगे 6, तो
तो ए का 4 से 6 का 4 से गुणा कराएंगे तो 24 दिनों में, इतना कठिन नहीं है, मैं आपको यहां करके दिखा दे रहा हूं, 18 × 4/3, ठीक है ना, वैसे ट्रिक से कि जब भाग दे रखा हो तो ऐसे निकाल लेते हैं। बी का मैं निकाल दे रहा हूं जल्दी से, या अगर इसको करेंगे तो 2 से 6 12 काटेंगे तो आएगा 6 और 3 × में जाएगा तो हो जाएगा 18, और सी से हम काटेंगे इसको तो सी का 60%, ये अच्छी बात है कि 60% को अगर हम आपका फ्रैक्शन में बदले तो परसेंट से फ्रैक्शन में आप बदल ही लेते होंगे, मैं दिखा देता हूं, 60 और परसेंट के लिए अपॉन लगाते हैं 100, तो 60 से 100 को काटेंगे तो आपका आ जाएगा 3/5, 2 से काटेंगे 3/5, यानी सवाल बन गया कि सी 3/5 भाग कितने दिन में पूरा करता है, 24, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, अब आप निकालेंगे इसका तो निकलेगा 40, कैसे कि यहां पर 3 से इसको काट देंगे 8 और 5 × होगा तो 40 आ जाएगा, तो सी कितने दिनों में करता है, 40। अब आप सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए 24, 18 और 40 का, तो आपका 24, 18 और 40 का आ जाएगा 360, कितना आ जाएगा 24, 18 और इसका आपका आ जाएगा 360, ठीक है ना, तो 360 को जब 24 से डिवाइड कराएंगे तो यहां आ जाएगा 15, ठीक है ना, और 18 क्या टेबल पढ़ेंगे, 18 × 36 = 20 और 40 का अगर पढ़ेंगे तो 9, तो यहां पर एबीसी की कैपेसिटी आ गई है। अब आप काम करा लीजिए, ए कितने दिन तक करता है, 4 दिन, ए कितने दिन करता है, 4 दिन, तो ए ने सिर्फ 4 दिन काम किया होगा तो एक 4 दिन में आपके हिसाब से कितना कर लेगा, 1 दिन में 15 तो 4 दिन में 60 गड्ढे। बी कितने दिन कर लेगा, बी करेगा आपका 1 दिन में करता है आपका, बी काम करता है 6 दिन, 6 दिन काम करता है तो 1 दिन में वो करता है 20 तो 6 दिन में कर देगा 120 गड्ढे या 120 काम। सी कितने दिन, 8 दिन काम में लगा रहता है और सी काम कितना करता है, 9 और 8 दिन में कर देगा 72। अब आप इसको जोड़ लीजिए, ठीक है ना, यहां 2, 7, 2, 9, 6, 15, 1, ठीक है ना, 252 काम हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कितना प्रतिशत कार्य बचा रह गया, तो आप बताइए पहले कि कितनी वैल्यू बची है, तो 360 में हम आपका 252 लेस कर देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ 80 और आपका 3 में 2 1108 वर्क अभी भी बचा है, इसको परसेंट में बदलना है, जैसे आपके 108 मार्क्स आए हैं, टोटल मार्क्स कितने के थे, 360 और इंटू कितनी हो जाएगी आपकी, परसेंटेज में चेंज करने के लिए फ्रैक्शन को आप इंटू करा देंगे तो वो परसेंटेज बदल जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको काट लीजिए, इसको 0 से 0 कट गया, 36 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, तो 30% काम अभी भी शेष रह गया है। तो ये प्रश्न इस प्रकार का है, यूपी पुलिस और आपके सीपीओ और इन सब एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों हम आगे और क्वेश्चन देखते हैं और वैरायटी समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगले टैब चालू करने से पहले हमें कुछ चैप्टर के बारे में इसमें चीजें और सीखनी होगी ताकि हम और इजिली इसको कर पाए, क्योंकि एक्स से मान के करना अब वो टाइम नहीं है जब आप पूरी तरीके से एक्स पे डिपेंडेंट होकर काम को कर लें, निकल आता है उससे वो ठीक है, लेकिन आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी। तो हम इसको ये क्षमता, समय और कार्य, अगर हम इंग्लिश में बोले तो उसको पावर बोलते हैं, ये है टाइम, ये है वर्क, तो पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, ये आपको पता ही होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वर्क कांस्टेंट कर दिया गया, तो अगर वर्क कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है नियत, मतलब ये काम उतना ही है लेकिन तुमने आदमी बढ़ा दिए तो पावर बढ़ गई, तो दिन आपका कम लगेगा, और टाइम अगर ज्यादा लग रहा है इसका मतलब जो आदमी काम कर रहे थे उसकी पावर घटाई गई है, या वो आदमी हटाए गए काम से, या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो पूरी काम नहीं कर पा रहा है। तो अगर वर्क कांस्टेंट हो तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका टी के, इसका मतलब होता है पावर का उल्टा टाइम होता है और टाइम का उल्टा पावर होता है। मतलब अगर आप यहां से अगर हम एक वैल्यू निकालें तो आप निकाल सकते हैं P1/P2 = T2/T1, ये आपका होता है, ये केवल ये बताना चाहता है कि अगर हम पावर के रेशियो को उल्टा कर दें तो टाइम का रेशियो है, मतलब P1 का P2 से जो रेशियो होगा उसका उल्टा होगा T2 का T1 से। ये बात सीखनी बहुत जरूरी है कि कहीं पर भी अगर हमें पावर का रेशियो दे रखा हो तो उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा दिनों का रेशियो होता है, ये बात याद रखने योग्य है। अब अगर इस बात को आपने सीख लो तो हम आपको सवालों पर लेके चलते हैं, चलिए देखते हैं सवाल कैसे होंगे। दोस्तों जो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 6, इसमें इफिशियंसी को अगर आपको ये पता है, मैं आपको जनरल भी करके दिखाऊंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन जनरल आपको अप्लाई नहीं करना है, कोई मेथड बैथ में खराब नहीं होता मगर हमें सही अप्रोच लेके चलना होता है, ठीक है। तो इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम, ए की क्षमता बी से 60% अधिक है, इफिशियंसी, द एफिशियंसी ऑफ ए इज 60% मोर देन बी, आपको सब टाइटल मिलेंगे। ए किसी कार्य को 80 दिनों में कर सकता हो तो बताओ बी उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में कर लेगा, सवाल अच्छा है। तो पहले हम इसको जनरल करें, तो हम अगर क्षमता माने, जैसे हमने बोला कि माना बी की क्षमता, जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको माने, बी की क्षमता हमने 100 मानी, तो ए की क्षमता कितनी निकल आएगी, आप कहेंगे सर 60 ज्यादा है, 60% इसका होता है 60, इसीलिए 100 मानते हैं, तो 160 है।
100 का अगर ए बी का 160 है, यहां आपका ये 60 निकल रहा, 160 हो गया, तो आप बताइए 160 इसकी क्या निकल आई, इफिशियंसी। और 160 से ये करना चालू करता है तब 80 दिनों में कार्य को कर लेता है। कितने दिनों में कर लेता है? 80 दिनों में। अच्छा, ये 80 दिनों में कर लेता है तो कार्य कितना है ये तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि कार्य, देखो कार्य ये जो है कार्य बराबर होता है आपका क्षमता गुणे समय। क्षमता है इसकी 160 और समय ये ले रहा है आपका 80, तो काम जो है आपका 16 अट्ठे 128, मतलब यहां पर 8812800 ये काम है। मैंने आपको पहले बताया यहां पे वर्क कांस्टेंट है। अब जो वर्क आप ए के लिए देख रहे हो वही बी के लिए भी है। अब बी जाएगा, बी कहेगा मेरी पावर तो 100 है, क्योंकि ए की जब 160 होती है वो मेरे से 60% ज्यादा है, यानी कितनी होगी मेरी 100 है, क्योंकि 100 का 60% 60 होता है और मुझसे 60 ज्यादा है। तो अब ये कितने दिन लेगा, तो इसके द्वारा लिए गए जो दिन होंगे, कार्य कहेगा वही कार्य है ना कांस्टेंट वाला, वो कहेंगे हाँ, और मेरी ताकत कितनी है 100, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 128। लेकिन दोस्तों आप इससे करने से बचें, क्योंकि बहुत सारी चीजों में जब ए बी सी या कुछ और भी दे देता है तो फिर दिक्कत होती है। आपको सीधा सा फंडा याद होना चाहिए और सीधा सा फंडा पता होना चाहिए कि इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है। तो इफिशियंसी का रेशियो देखिएगा, 60% अगर हम वैल्यू में देखें तो 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो 60% की फ्रैक्शन जो होती है वो होती है आपकी 60/100 यानी 3/5। ठीक है ना, आप अगर काट भी लेंगे 60% की, तो मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं, यहां पर ऐसे करके 60/100 लिखा और जीरो काट दिया और यहां पर ये हो गया 3/5। ठीक है ना, ये 3/5 हो गया बच्चों। इसके बाद हम लोग परसेंटेज का चैप्टर लाएंगे, उसमें तब बहुत जल्दी निकालना सीखेंगे कि परसेंट हवा में कैसे निकालते हैं, कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3/5 आ गया। अब रेशियो जो है, अच्छा एक चीज बताइए, जब ये बी नीचे वाला देखिए, बी बी अगर 5 होगा तो ए उस समय 60 ज्यादा होगा, 60% 5 का कितना होता है 3, यानी जब A होगा 5, जब B होगा 5, सॉरी जब B होगा 5 तो A कितना होगा उस समय, A 3 ज्यादा होगा, तब A उस समय पावर में होगा 8। ये पावर है, ये A की पावर है और ये B की पावर है। ठीक है, अब A की पावर जब 8 है तो 8 कैपेसिटी से वो कितने दिनों में कर लेता है 160, ये निकल आया वर्क। तो B उसी अगर पावर से करने जाएगा तो कितना कर देगा, 5 से सिंपली डिवाइड कर लीजिए, और जब डिवाइड करेंगे जब आप इसको, तो यहां पर आप काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा 32, 32 5 ही है ना इसकी 5, ठीक है ना, तो यहां पर आ जाएगा 5 2 16 32, तो यहां पर जब आप काटने जाएंगे तो आ जाएगा आपका 8 2 16। यहां तो गड़बड़ हो गया यार काम, तो रुको जरा फिर से, अभी देखिएगा इफिशियंसी निकल आई 5 और 8, इफिशियंसी निकल आई 5 और 8, और इफिशियंसी का रेसिप्रोकल होता है टाइम, मतलब ए अगर 8 पावर से ले रहा है तो इसको समय लगेगा 5, और ये जब बी ले रहा है 5 से तो इसको लगेगा 8, समझ में आ रहा है। तो 5 और 8 से आपने देखा, यानी 5 दिन हमारे हिसाब से ले रहा है, उसके हिसाब से 80 दिन ले रहा है, तो 5 बराबर कितने दिन हो गए 80, 1 बराबर 16 दिन, और फिर अगर आप B के दिन पूछे जाओगे तो 16 का 8 से गुणा, क्योंकि हमारे हिसाब से B 8 दिन ले रहा है, तो 16 का 8 से इंटू करा देंगे तो आंसर आ जाएगा 128। देखा दोस्तों ये कितना सरल हो गया, कितना आसान हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं और समझते हैं कैसे करना है। दोस्तों देखिएगा, अब यहां पर ए की क्षमता 20 से 20% कम है, ठीक है ना, ए और बी मिलकर इस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो जो सिंपल सिंपल सा है भाई, तो बताओ ए और बी कार्य को अकेले अकेले करें तो कितने दिनों में पूरा होगा। तो 20% अगर हम बात करें कि अगर 20% कम है तो 20% की फ्रैक्शन अगर आप देखोगे तो 1/5 होती है। 1/5 मतलब होता है कि ए की क्षमता 20 से 5, यानी ए की 5 है तो 20 से कम है, तो अगर यहां से बी से कम है तो बी की 5 है तो ए की 4 होगी, मतलब इनका रेशियो जो होगा ए की 4 होने पे बी की 5 होगी। लिखा है ए की क्षमता 20 से 20% कम है, 20 से 20% कम है, अगर बी 5 है तब वो एक कम है, यानी अगर बी 5 होगा तब वो कितना होगा, एक कम होगा 4 होगा। ये इनकी इफिशियंसी आ गई, ये ए की आ गई इफिशियंसी और ये बी की आ गई, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। फिर कह रहा है दोनों मिल जाए तो ये 4 ताकत से काम करेगा और ये 5 ताकत से काम करेगा, 4 और 5 से मिलकर अगर ये काम करे तो काम कितने दिनों में, इनकी पावर हो जाएगी 9, आप ऐसे मिला लीजिए 9, और 9 काम को ये लोग 20 दिनों में खत्म कर देते, ताकत है और दिन कितने हैं इनके 20, ये पावर इंटू टाइम इंटू वर्क आ जाएगा, वर्क कितना आ गया 180। अब 180 आ गया तो अब इसी से करा दीजिए, कह रहा ए अकेले कितने दिनों में करेगा, तो ए अकेले जब आप जाएंगे तो ए अकेले हो जाएगा 120 वर्क अपॉन इसकी ताकत है 4, तो आप काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा 45, और बी अगर आप देखेंगे तो बी करेगा 180 काम, ये बी का है, और कितने दिन में, अगर आप से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 36, तो ये आपके दिन आगे 36 और 45। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 4 और 5 मैंने ऐसे ही जोड़ दिया, क्योंकि आप कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप 4x और 5x रेशियो को अलग भी करेंगे तो ये 9x हो जाएगा,
और जब आप डिवाइड करने जाएंगे तो नीचे भी, तो जब आप नीचे डिवाइड करने जाएंगे तो नीचे 4x आ जाएगा, वो x को ऑलरेडी कट कर देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको होप से समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट्स में जरूर बोलिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, लिखा है ए की क्षमता बी से 25% कम है और बी की क्षमता सी से 20% अधिक है, तो ये तो रेशियो वाला भी इसमें थोड़ा सा फंडा आ जाता है। फिर वो कह रहा है ये सभी कार्य को 36 दिनों में पूर्ण कर सकते हो, तो बताओ अकेले अकेले कार को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। तो आप बताइए ए की क्षमता बी से कितने परसेंट कम है, 25%। यानी जिस समय 25% की आप फ्रैक्शन निकालोगे तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। जिस समय बी 4 है उस समय एक कम है ए, यानी ए और बी का रेशियो आ जाएगा यहां पर 3 और 4, ठीक है। हम आपको रेशियो लेना बताएंगे, अभी छोटा सा सिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। और बी की क्षमता बी से 20% अधिक है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, कितनी होती है 1/5। यानी सी से 20, जिससे कहेगा वो नीचे होता है, सी से यानी सी जिस समय 5 होगा उस समय बी 6 होगा, अधिक है, तो यहां पर वो हो जाएगा 6 और आपका 5, ठीक है, ये सी हो गया। अब आप देखिए, पहले आप तीनों का रेशियो निकाल लीजिए, ए रेशियो, बी रेशियो, सी, कंपेयर करके। तो आप इसको एक तरीका है जिससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, रेशियो प्रोपोर्शन में भी जब हम डालेंगे तो बताएंगे शॉर्ट ट्रिक, लेकिन पहले आप इसको नॉर्मल देख लीजिए कि यहां पर बी 4 है और यहां बी 6 है, ऐसा नहीं हो सकता, बी दोनों जगह एक ही होने चाहिए। तो बराबर करने के लिए यहां पर 4 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं, बराबर करना हो कभी भी, देखिए यहां बी 4 पड़ रहा है और ये बी और सी है, यहां पर बी और सी, यहां पर बी 6 है, यहां पर बी 4 है, तो 6 और 4 है, तो यहां पर बराबर करने के लिए हम 12 करने के लिए सिर्फ 3 से और इस पूरे उसमें 2 से इंटू करा देंगे। अब आप देख लीजिए, अब ए और बी का रेशियो कितना आया, तो ए और बी का नया अनुपात आया यहां पे 9 और यहां पर 12, और बी और सी का कितना आया जरा बताइए, तो बी और सी का आया 12 और जब 2 से कराया तो आ गया 10। देखिए बी यहां पर दोनों जगह 10 हो गया, तो अब बिंदास 9:12:10 लिख लीजिए। पढ़ने का तरीका यह होता है, जब ए 9 है तब बी 12 है, और जब बी 12 है तब वो 10 है, तो 12 है तो वो 10 है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है तीनों मिलकर कार्य 36 दिनों में पूरा कर लेते हैं, का मिल करके, तो मिलकर पावर कितनी आएगी, हमने बोला था x मत लीजिए क्योंकि x जब नीचे वो जाएगा तो ऑलरेडी कट हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं, आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए, a की पावर 9, b की 12 और c की 10 है आपकी, तो आप जोड़ेंगे तो 12, 9, 21, 10, 31, यहां पर तीनों को मिल करके आपकी 31 पावर आ रही है। कह रहे लोग मिल करके काम 36 दिनों में पूरा कर लेते, कितने दिनों में, 36। तो ये पावर है, पावर में जब हम आपका इंटू कराते हैं टाइम से जैसे इंटू कराएंगे तो वर्क निकल आएगा। तुम्हारा वर्क टोटल कितना आ गया, तुम्हारा वर्क आ गया 31 × 36, ये हमारा वर्क आ गया। अब वर्क का मतलब ये काम आ गया, तो हमने पावर में से इंटू करा दी, जब हमारे आ गया तो अब कह रहा है एबीसी अकेले अकेले कितने दिनों में करा लेंगे, तो जब ए अकेला करने जाएगा तो कहेगा काम कितना है, तो हम कहेंगे 31 × 36 काम है, और कितना कह रहा है कि बताइए मेरी ताकत कितनी, मेरी ताकत 9 है, तो 9 से काटेंगे, यहां पर 4 आ गया, तो यहां पर आ जाएगा 124 दिनों में। जब बी की निकालने जाएंगे तो बी की आप यहां निकाल लीजिए, बी की जब निकालने जाएंगे तो बी की जब आप देखेंगे तो बी की आप काम वही है 31 × 36, और इसका पूरा काम है आपका, अब देखेंगे पावर इसके पास 12, तो 12 को काटेंगे 3, तो यहां पर आ जाएगा 93 दिन, ठीक है ना। और सी की निकालने जाएंगे जब आप, तो सी कहेगा भाई काम कितना है, तो काम तो हम निकाल चुके हैं, फाइनलाइज कर चुके हैं 31 × 36, और हम कहेंगे बताओ कितने है, तो हम इसको 10 से काट देंगे, तो हम 10 से काटेंगे तो ये पॉन में आएगा, 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, और 2 से काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा 18। अब हम इसको निकालेंगे तो 18 × 13 × 5 करा लेंगे, तो जो भी देखिए मैं यहां निकाल के दिखा रहा हूं आपको, 13 × 18 × 5 अगर हम करेंगे तो 18 × 1 = 18, और यहां पर आपका 1 कैरी, और ठीक है ना, और 18 × 3 = आपका 54, और 54 और 1 = 55, ठीक है ना, और यहां पर आपका आ जाएगा 84 और 85, ठीक है ना, 55 हो जाएगा, और 55/5 कर लेंगे तो ये फ्रिक्शन में जाएगा, और इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा आपका 5 × 5 कैंसिल आउट, 5 × 5, ठीक है ना, और ये आपका कैंसिल आउट, और ये आपका आ गया 5 × 5, तो यहां पर आ गया आपका 3, तो 1 1 होल आपका कितना गया, 1 1 1 होल 3/5 डेज, ये इतने डेज लेगा और ये कंप्लीट कर देगा। होप सो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब आप इसमें देखिएगा, ए की क्षमता बी की क्षमता की 2/3 है और बी की क्षमता सी की क्षमता की आधी है, तो कह रहा है ए कार्य को 6 दिन में, ये लोग मतलब ये मिल करके कार्य को 6 दिन में कर ले, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए की क्षमता बी की क्षमता से 2/3 है, मतलब अगर बी 3 है, बी की क्षमता की 2/3 ए की क्षमता, यानी जिस समय बी अगर 3 मान लेते हैं हम, तो ए इस समय 2/3 होगा, 2/3 3 का, तो कुछ ऐसा मानते हैं जो पूरा कट हो जाए,
जैसे मान लो 6 मान लीजिए, 9 मान लीजिए, क्योंकि जब हम रखेंगे तभी उसका 2/3 निकले, अगर x मानेंगे तो कठिन हो जाएगा। तब यहाँ a और b का रेशियो कितना है जरा बताइए, तो आप कहेंगे 2:3, ठीक है ना, यही तो होगा। अब आप बताइए c की क्षमता की आधी है b की क्षमता, तो c की क्षमता की आधी है, तो अब हम c अगर हम 2 मान लें सपोज करिए, तो इसका आधा कर दें, तो c का 2 का आधा कितना होगा, तो 1, तो ये b की क्षमता आ गई, b आधा है इसका, तो b और c का अब रेशियो निकालेंगे पावर का, तो 1:2 आ गया। अब आप देखिए यहां b को आप 1 पढ़ रहे हैं, यहां पर 3 पढ़ रहे हैं, ये नहीं चलेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो 3 1 का एलसीएम 3, तो इसमें तो 1 से इंटू कराएंगे, जबकि इसमें कराना पड़ेगा 3 से, तो जब 1 से कराएंगे तो ये आ गया 2:3, और यहां जब 3 से कराएंगे तो 3:6। अब आप अनुपात निकाल लीजिए, 2:3:6, यानी निकल आया 2:3:6। अब ये आप निकालिए इनकी पावर से, कह रहे जब ये लोग ऐसे काम करते हैं तो 6 दिन में काम कर लेते हैं, तो इनकी क्षमता कितनी, टोटल पावर कितनी है, तो क्षमता अगर आप देखेंगे तो 6, 3, 9 और 2, 11 क्षमता से काम करेंगे, और ये काम जो है वो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो दिन दे रखे हैं हमें 6, तो बताइए काम कैसे निकालते हैं, काम बराबर होता है क्षमता इंटू दिन, यानी 11 × 6 करा लेते हैं, तो काम हमारे हिसाब से 66 आ गया। कह रहा बी कितने दिनों में कर लेगा, तब बी की कैपेसिटी हमारे हिसाब से 3 है, तो बी कितने दिन लेगा, तो जो दिन लेगा बी वो लेगा आपके 66 काम को करने के लिए 3 के हिसाब से, यानी 22 दिन आ गया। अगर ए का पूछता तो 66/2, अगर सी का पूछता तो 66/ आपका 6 कर लेते। दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, होप सो, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, बस आप अपना प्यार दिखाते जाइए और कमेंट्स बॉक्स को भरते जाइए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू टाटा।